नमस्कार, आप देख रहे हैं सुगम प्रहरी न्यूज चैनल से रिपोर्टर नितेश कुमार कामिल उर्फ टिंकू जनपद बिजनौर के सिहारा में नारी सुरक्षा सशक्तिकरण और नारी सम्मान के लिए मिशन शक्ति के तहत महिलाओं और छात्राओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए SI मीनाक्षी गुप्ता ने शासन द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर की जानकारी दी। आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देने तथा उनकी सुरक्षा सम्मान स्वावलंबन और स्वाभिमान के लिए अभियान मिशन शक्ति चलाया जा रहा है, जिसका मकसद पुलिस विभाग द्वारा गांव-गांव पहुंचकर महिलाओं और बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए उन्हें सुरक्षा का एहसास दिलाना है। इसी क्रम में सिहारा के मोहल्ला शेख खान में आयोजित कार्यक्रम में मिशन शक्ति और रोमियो स्क्वाड की इंचार्ज उप निरीक्षक मीनाक्षी गुप्ता ने स्कूल की छात्राओं और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया तथा उनको शासन द्वारा जारी वुमेन हेल्पलाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 आदि हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई। महिलाओं को संबोधित करते हुए मीनाक्षी गुप्ता ने कहा कि महिलाओं को अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को सहन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा स्वाभिमान सम्मान और स्वाभिमान के लिए शासन द्वारा महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत यदि किसी महिला का शोषण किया जा रहा है तो महिलाओं को आगे आकर उसका विरोध करना चाहिए और पुलिस को इसकी सूचना देनी चाहिए। पुलिस द्वारा तुरंत उस महिला की मदद की जाएगी और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि जागरूकता के अभाव में बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं और जागरूक होने पर बड़ी से बड़ी घटना को भी टाला जा सकता है। इस अवसर पर SI मीनाक्षी गुप्ता के अलावा महिला पुलिस कर्मी दीपा आंचल, जॉनी चाहल, कांस्टेबल सत्यवीर सिंह व सुनील कुमार उपस्थित रहे। महिलाओं को जागरूक करने के लिए चलाया जा रहा है, इसमें कुछ नंबर दे रखे हैं, हेल्पलाइन नंबर, उनके बारे में जानकारी दे दी है आपको। जैसे 112 112 क्यों बुलाया जाता है, बताओ आप।